और जी क्या हाल है आप लोगों की। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों को 5 ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिसे फॉलो करने के बाद आप बिल्कुल फिट रह सकते हो। फिट रहना हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिट इंसान खुद भी खुश रहता है, दूसरों को भी खुश रखता है। अब उदाहरण के लिए मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, चाहे लड़का हो या लड़की, एक तरफ अनफिट इंसान को रखो जो कि मतलब दुबला पतला है या फिर मोटा है, गोलू है, पेट निकला हुआ, तोन सा, और यहाँ चर्बी, मतलब अनफिट है, और एक तरफ फिट है, चाहे लड़का हो या लड़की, शरीर शेप में है, शरीर कसावट में है, तो आप किसके तरफ ज़्यादा आकर्षण होगा? ऑब्वियसली जो इंसान फिट है, चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए ही मैं बात कर रही हूँ। जो इंसान फिट होता है ना, उसके तरफ ज़्यादा आकर्षण, मतलब ज़्यादा आकर्षण होते हैं उसके तरफ, जो अनफिट है उसके तरफ नहीं। वो खुद भी मायूस होते हैं और दूसरों को भी मायूसी करते हैं। नहीं भी होते नहीं, कोई नहीं, अब अपने आप को फिट रखोगे तो खुश भी रहोगे, कुछ कपड़े पहनोगे या फिर कुछ काम करोगे तो अंदर से ही खुशी झलकती है। तो इसलिए इंसान को फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि आप लोगों को 5 ऐसे कौन से टिप्स हैं जिसे फॉलो करने के बाद आप बिल्कुल फिट रह सकते हैं। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं गाइस। फर्स्ट नंबर पे देख लेते हैं आपको क्या करना है। फर्स्ट नंबर पे आपको कैलोरी कितना इंटेक करना है अपने अंदर। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, अपने हाइट और वेट के हिसाब से आप सर्च कर लीजिए और उसके बाद देखिए आपको अपने अंदर कितना कैलोरी इंटेक करना होता है। अब एक उदाहरण लीजिए कि आपको हेल्दी वे में करना है। अब मान लो कि एक सेब है, तो आप सेब में मान लो कि 50 कैलोरी है, और एक में आप मान लो कि रसगुल्ला खा रहे हो, ठीक है, उसमें 500 है। तो हेल्दी वे कौन सा है? हेल्दी वे है सेब, तो आप यानी एप्पल। तो एप्पल खा के आप जितना कैलोरी इंटेक करेंगे या जितना गुलाब जामुन आप खा लेते हो, वो एक अनहेल्दी है। तो आपको हेल्दी वे में अपने अंदर कैलोरी इंटेक करना है, अपने अंदर कैलोरी को डालना है। अब मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, देखो खुद का चार्ट आप खुद बनाइए, खुद का डाइट प्लान खुद बनाइए। ये बहुत ही इजी होता है, इतना मुश्किल नहीं है। बस गूगल पे जाके आपको अपने हाइट वेट के हिसाब से सर्च करना है और कुछ नहीं करना, और आप खुद सर्च कर लेते हैं। अगर आप पे नहीं हो पाता ना, मुझे कमेंट करके बताना, मैं इसकी भी एक वीडियो बना दूँगी कि आपको किस तरीके से सर्च करना है, कैसे करना है, और अपना ये देखना है कि आपको एक दिन में कितना कैलोरी इंटेक करना होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसकी वीडियो अलग से बना दूँगी। तो सबसे पहले आपको कैलोरी इंटेक करना है और हेल्दी वे में करना है गाइस। अब बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है। दूसरे नंबर पे आपको पानी पीना है। एक जो नॉर्मल इंसान होता है वो 4 से 5 लीटर पानी पीता है। पानी पीने से देखो होता क्या है, एक तो आपकी बॉडी हाइड्रेट रहती है, सेकेंड आप जितना पानी आप पीते हो तो आपके अंदर जितना भी जहरीला पदार्थ होता है वो यूरिन के थ्रू निकलता है। ये लड़का लड़की मैं दोनों के लिए बता रही हूँ। तो पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना डाइट फॉलो करना, एक्सरसाइज करना, तो पानी भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पानी पी रहे हैं तो पानी पीने का भी एक तरीका होता है, आपको सिप सिप करके पीना होता है। ये नहीं कि जी बोतल उठाया और गट 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 गट, या फिर हमने गिलास लिया और ये पी लिया, इस तरीके से नहीं। आपको आराम आराम से पानी पीना होता है और स्लो स्लो, बहुत स्लो स्लो, ताकि आपके शरीर में वो लगे। तो पानी पीना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्वस्थ इंसान या नॉर्मल इंसान को 4 से 5 लीटर पानी इंटेक करना चाहिए गाइस। अब थर्ड नंबर पे क्या करना है। थर्ड नंबर पे आप ऐसा रूटीन बनाओ कि आपको 30 मिनट यानी 30 मिनट आपको कम से कम एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, या फिर डांस कर सकते हो, वॉक पे जा सकते हो, यानी कुछ आपको एक्टिविटी करनी है। आप ऐसा रूल बनाइए, आप चाहे सुबह कर लो या शाम कर लो, लेकिन ऐसा एक टाइम बनाओ कि कम से कम आप 30 मिनट तक एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, योगा करो, डांस करो, खेलो, कूदो, कुछ भी करो, लेकिन अपने आप को थकाना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। देखो गाइस, अगर आप एक्सरसाइज, योगा, जो भी आप कर, जो आपको पसंद है, आप उसे कर रहे हो, यानी कि अपने शरीर में एक्टिविटी लेके आ रहे हो, तो इससे होता क्या है ना, आपकी कैलोरी बर्न होती है, मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है, और आपका जो फैट लूज में काफ़ी, यानी मोटापा कम करने में भी आपको काफ़ी मदद मिलता है। तो आप 30 मिनट ये रूल बना लो कि मैं एक्सरसाइज करूँगा, योगा करूँगा, या जो भी आपको पसंद है वो ज़रूर करूँगा या करूँगी, तो इसे आप अपने रूटीन में शामिल कर लीजिए गाइस। चौथे नंबर पे आपको क्या करना है, फोर्थ नंबर पे आपको विटामिन और मिनरल्स की चीज़ें खानी है। जैसे कि आप हरी सब्जी खा सकते हो, और फल फ्रूट, मतलब जो फल है उसे खा सकते हैं आप। हरी सब्जी में बहुत सारी ऐसी सब्जियां होती हैं जिसे आप कच्चा खा सकते हैं, फ्रूट है जो आपको पसंद है आप उसे खाइए, और सलाद बिल्कुल आपको खाना ही खाना है, तो इसे आप करना स्टार्ट करिए, आपको फिटनेस में काफ़ी 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 मदद मिलेगा। और जो पेट की शिकायतें होती हैं ना, जैसे कि जिनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है, या बहुत से ऐसी जो बहुत सारी शिकायतें होती हैं और खाना सही से नहीं पचना, तो ये सब चीज़ें अगर आप खाते हैं ना, सलाद वगैरह, फ्रूट वगैरह, तो आपको फिटनेस में तो काफ़ी मदद मिलेगा, और फैट लूज में भी काफ़ी मदद मिलने वाला है, तो आपका पेट का सिस्टम भी काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हरी सब्जी और फ्रूट वगैरह खाना स्टार्ट कर दीजिए। कच्ची हरी सब्जी भी खाएंगे तो भी आपको काफ़ी
फ़ायदा मिलेगा फिटनेस में। अब बात कर लेते हैं 5 नंबर पे क्या करना है। 5 नंबर पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नींद आपको पूरी करनी है। यानी कि एक जो नॉर्मल इंसान होता है उसे 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करनी होती है। आपको ना ज़्यादा सोना है ना थोड़ा कम सोना है, मतलब ज़्यादा कम नहीं सोना। बहुत सारे लोग कम सोते हैं, कुछ लोग ज़्यादा सोते हैं। चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो या फैट मतलब अपना बॉडी को आप गेन कर रहे हो, तो हर चीज़ में ही मैं बता रही हूँ, एक जो सोना होता है ना, जो नींद लेते हैं 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। अब देखो एक बात और बताती हूँ, बहुत सारे लोग क्या है ना कि ऐसा सोचते हैं कि हम रात में सो लेते हैं 5 घंटा और 3 घंटा हम दिन में सो लेंगे, तो वो फ़ायदेमंद नहीं है। फ़ायदेमंद कौन सा होता है, आप लगातार 7-8 घंटे की नींद ले रहे हो, तो अपना एक टाइम टेबल बनाइए और उसके बाद आप अपनी प्रॉपर नींद लीजिए, तो आपको फिटनेस में काफ़ी मदद मिलेगा, क्योंकि नींद बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फिटनेस में। तो नींद को बेकार मत करिए, बिल्कुल सही रखिए। अब बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि नींद कैसे पूरी करें, कैसे हमें रात में नींद नहीं आती, मतलब कि रात में बहुत लेट हो जाता है तब हम सोते हैं। तो देखो जो दिन में ना आप हार्ड वर्क करोगे ना, एक्सरसाइज शाम को कर लोगे, या फिर आप दिन में बिल्कुल भी ना सो, तो फिर आपको रात को अच्छी नींद आएगी। अलार्म लगा के सोइए, कोशिश 1-2 दिन आपको 1 हफ्ता ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अपनी नींद का जो रूटीन है ना इसे ठीक करिए, तो आपको फिटनेस में काफ़ी मदद मिलेगा। बस यही 5 टिप्स थे, इसे आप फॉलो करेंगे तो आपको अपने फिटनेस में काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगा, ये गारंटी है मेरी। तो इसे आप फॉलो करो और अपने आप को फिट बनाओ। गाइस देखो मैं तो एक ही बात कहूँगी, अपने लाइफ स्टाइल को आप चेंज करोगे, खुद के लिए चेंज करोगे, ना मेरे लिए करोगे, ना पड़ोसी के लिए, ना घर वालों के लिए, आप अपने खुद के लिए करोगे। खुद से प्यार करना सीखो सबसे पहले, जब खुद से प्यार करोगे ना तो ऑब्वियसली आपसे भी लोग प्यार करने लगेंगे। अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करो, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि फिट रहो। फिट रहोगे ना तो आप हमेशा खुश रहोगे, ये बात की मेरी गारंटी है। अगर आप अनफिट हैं और कुछ बेकार बड़े हुए हैं तो पता है क्या होता है, इससे ये होता है ना कि आप खुद भी खुश नहीं रहते हो, दूसरों को भी खुश नहीं रखते हो। तो इसलिए सबसे पहले को खुश रखो और दुनिया भी खुश रहेगी आपसे। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ, अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करिए, फिटनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दो। क्यों ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि अगर आप फिट हैं तो हर काम आपका इजी है, बस सीधी सीधी बात है। वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो पे लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को उसे भी दबाना ताकि मेरा कोई भी आने वाला वीडियो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगी आप लोगों के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो, तो मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।